नमस्कार, तीसरी शपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरे लौटे हैं तो कुछ नए चेहरों को तरजीह दी गई है। गठबंधन धर्म को निभाते हुए सहयोगी दल के नेता भी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली और मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी करीब 8000 मेहमान इस इतिहास पल के गवाह बने। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कैसे शपथ ली है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत अन्य नेता आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, सर्वानंद सोनोवाल और साथ ही साथ आपको हम ये अलग अलग 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल भी हैं इस पूरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे हैं मोदी कैबिनेट के और इनमें से कुछ चेहरों को दोबारा मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और 3 बहुत ही खास तस्वीर, गौर फरमाइएगा, जो ऐतिहासिक तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साल 2014, 2019 और 2024 की ये 3 अलग अलग तस्वीरें जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया है वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी 3.0 की ये नई टीम और नई टीम के साथ नई ऊर्जा, नया उत्साह के साथ आज इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। और देखिए, बिहार में जो 8 मंत्रियों ने आज शपथ ली है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, जीतन राम मांझी हैं, नित्यानंद राय हैं, राजभूषण निषाद जिन्हें मंत्री पद दिया गया है, सतीश चंद्र दुबे हैं, चिराग पासवान हैं और जेडीयू के 2, बीजेपी के 4, एलजेपीआर से चिराग पासवान ने हम के 1 नेता मंत्री पद की शपथ ली है और बीजेपी से गिरिराज सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं, राजभूषण निषाद हैं, सतीश चंद्र दुबे भी हैं। जेडीयू से अब हम बात करेंगे, ललन सिंह हैं, रामनाथ ठाकुर उन्होंने भी शपथ ली, यानी कि जेडीयू से 2, कुल मिलाकर 6 हुए। हम से जीतन राम मांझी और एलजेपीआर से चिराग पासवान ने शपथ ली है। और देखिए, ये कुछ बहुत ही खास मेहमान जो विदेशी मेहमान हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो आज पहुंचे हुए थे इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए। और देखिए, बहुत सारे बहुत ही खास मेहमान वहां पहुंचे हुए थे, पड़ोसी देशों से, पड़ोसी राज्यों से भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे। राष्ट्रपति, चेयरमैन रिलायंस के मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी भी मौजूद रहे। बॉलीवुड से भी कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थी, शाहरुख खान समेत कई सुपरस्टार इस ऐतिहासिक पल में शामिल हुए। और विदेशी मेहमान कौन कौन थे वो भी आप देख पा रहे होंगे, पड़ोसी राज्यों से वहां के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तीसरी बार मोदी सरकार और 100 दिन का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विकसित भारत का संकल्प लिए नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद ये पहला मौका है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। टीम मोदी में इस बार कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे शामिल हैं जो साझा सरकार के संदेश को चरितार्थ करता है, मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को भी पूर्ण करता है।
मोदी कैबिनेट में एक बार फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों को मौका मिला है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार ने अपने 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार के लिए ये 100 दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि इन्हीं 100 दिनों से पता चलेगा कि आखिर आने वाले 5 साल तक मोदी सरकार की दशा और दिशा क्या होने वाली है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को साफ कर दिया है कि इस रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बिहार से 8 सांसदों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। विधानसभा चुनाव 2025 को भी ध्यान में रखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगले 5 साल के लिए मोदी की नई टीम तैयार हो गई है। मोदी की नई टीम में बिहार से 8 चेहरे शामिल हैं, जबकि झारखंड से 2 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्रिमंडल के गठन में गठबंधन धर्म के साथ जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। यही वजह है कि बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, एचएएम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनाया गया है। जातीय समीकरण की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग के चेहरा के तौर पर जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और बीजेपी से राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया गया है। वहीं अन्य पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय को मंत्री बनाया गया है। मोदी की नई टीम में दलित और महादलित समाज से भी 2 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है। एलजेपी आरवी के चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा और दलित समाज के साथ साथ मंत्रिमंडल में अगड़ी जातियों का भी खास ख्याल रखा गया है। भूमिहार समाज से 2 मंत्री बने हैं। 2014 से मोदी कैबिनेट में शामिल गिरिराज सिंह को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है, तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। यानी कह सकते हैं कि मोदी की नई सरकार में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को फिर से मंत्री बनाया गया है, जबकि रांची के सांसद संजय सेठ भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही पीएम मोदी ने अपने 100 दिनों का एजेंडा भी सेट कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार के लिए ये 100 दिन बहुत ही खास, बहुत ही अहम है, क्योंकि इन्हीं 100 दिनों से ये पता चल जाएगा कि आखिर आने वाले 5 सालों तक मोदी सरकार की दशा और दिशा क्या होने वाली है। मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी।